स्टार्ट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रोटरी क्लब हमाद हामिद एंड योर कोर्स इंस्ट्रक्टर एंड आल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ साइबर एलीट्स। सो मैं लास्ट हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट 4 क्लासेस हुई हैं, उसमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्वेश्चन पूछें। मैं आप सब तक जो माइक है वो म्यूट कर रहा हूँ। ब्रांड नेसेसरी इसलिए है कि आपको पता लगेगा कि ब्रांड्स को किस तरह से सर्च आउट करना है, देन उसके बाद उसके एलिमेंट्स के नेम्स किस तरह से फाइंड करने हैं। ब्रांड इस वजह से नेसेसरी है और बेसिकली ये असाइनमेंट है। टेम्पलेट तो फिर ये है कि अगर मैं इस तरह से आपको फ्री हैंड दूँ तो मुझे टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब आने लग जाएंगे और देन मेरे लिए मुश्किल होगा एक विनर फाइंड करना या किसने ये असाइनमेंट विन किया है वो फाइंड करना, क्योंकि फिर कैनवा में बहुत सारी फॉर्मेट्स आ जाती हैं, हर किसी का एक अपना टेम्परामेंट है और कुछ मेरे लिहाज से अच्छे हैं लेकिन किसी और के लिहाज से अच्छे नहीं हैं और कुछ उनके लिहाज से अच्छे हैं मेरे लिहाज से अच्छे नहीं हैं, जैसे इसीलिए फिर वो तजाद आ जाएगा। ओके, मैं फिर अपना सेशन स्टार्ट करूँ। जी, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। आज हमारा लास्ट सेशन है, एक तो और सेकंड ये है कि इसमें सारी चीजें कंक्लूड कर देंगे और उसके बाद एक सेशन आंसर क्वेश्चन का रख देंगे, वो आप जब कहेंगे तब रख देंगे। अच्छा, इसमें सब में मैं ना एक चीज मिस कर गया था, तो सारा हमने पीछे किए थे वो मेरे प्लान में ऐड थी लेकिन वो मैं मिस कर गया था, मुझे रात को ही उसका याद आया कि वो मैंने मिस कर दी। अब आप हैंड रेज अभी ना करें, आप अब जो है आंसर क्वेश्चन सेक्शन में ही हैंड रेज कीजिएगा और आज के सेशन में कोशिश करें कि कॉपी पेन अपने साथ जरूर रख लें, क्योंकि आज का जो है वो एक बहुत अच्छा इस तरह का सेशन है या इस तरह का लेक्चर है कि जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी कि आप कॉपी पेन साथ रखें। अच्छा, मैं कोई भी यहाँ से एक टेम्पलेट, मुझे ना एक इफेक्ट था वो अचानक से रात में याद आया और मैंने फौरन से लिख लिया कि मुझे सुबह कराना है, तो मैं उसी को लेके चलूंगा। मैं यहाँ पे ये ब्लैंक पेज ही ले लेता हूँ। अच्छा, एक यहाँ पे ना इफेक्ट्स में आता है डू टोन इफेक्ट, मैंने आपको बताया भी हो शायद, तो आज मैंने ईदी की पिक्चर ऐड की है। उसकी वजह ये कि मैं यही सोच रहा था कि मैं क्यों किसी इंडियन एक्ट्रेस की पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, मतलब वो हम मेरा उनसे कोई मुझे उनसे कोई इशू नहीं है लेकिन हमारे पाकिस्तानी हीरोज भी तो हैं, तो बस मैंने इनकी पिक्चर्स मैंने सोचा कि आज एडिट करूँगा। अच्छा, ये एक पिक्चर है, सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूवर मैं ये यूज़ करूँगा। आपको पता है कि आपने कौन सा बैकग्राउंड रिमूवर यूज़ करना है, वो वीडियो नंबर 4 में और वीडियो नंबर 1 में ऐड है कि क्या तरीका है। लेक्चर 1 में ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और एक चीज जो मैं मिस कर गया था वो था कि आपने शेडो किस तरह से ऐड करना किसी भी चीज में। मुझे एक दो असाइनमेंट्स इस तरह की मिली हैं कि जिन बच्चों ने शेडोज ऐड किए हुए हैं लेकिन उनको सही से अभी करने नहीं आए ना, उन्होंने सिंपल शेडो एलिमेंट्स उठाए हैं और वो पीछे को एडजस्ट किए हुए हैं, तो उससे इतना इफेक्ट नहीं लेकिन अच्छे थे वो, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब उन्होंने एक नई चीज जो है वो अपनी तरफ से तो सर्च की है। इंटरनेट को पता नहीं क्या शुरू है। ओके जी, अब इसका हो गया बैकग्राउंड रिमूव। इसमें मैं अब जो है वो शेडो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एक अदद कॉपी लूंगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल सी हो गया, कंट्रोल सी और कंट्रोल
अच्छा इसकी एक मैं कॉपी ले ली, इसको मैंने यहाँ पे रखा, अब इस पे मैं इफेक्ट अप्लाई करूंगा, डू डॉन इफेक्ट मेरे पास डाउनलोडेड है ऑलरेडी, इसमें आपने डाउनलोड कर लेना है, आपके पास शायद ना हो। इस पे मैं कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा, ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, ये इफेक्ट मैंने अप्लाई कर दिया। देन इस पे मैं अगेन क्लिक करूंगा, इसमें दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है, एक ब्लू और ये डार्क ब्लू टाइप है, और ये एक शायद डार्क पिंकिश या शेडी कलर है। इसको मैं अब क्या करूंगा, इस कलर को मैं पिक करूंगा, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। अब इस पे क्लिक करूंगा, इसको भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको भी मैं ब्लैक कर दूंगा। अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करके थोड़ा सा बड़ा करूंगा, थोड़ा सा बस, इसकी मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा, बैक कर दूंगा ये। अब इसका कलर मैं चेंज भी कर सकता हूँ मोस्टली, अब आप देखते होंगे कि बैक बैक में जो है वो अक्सर इस तरह का आ जाता है कि साइडों पे ना इस तरह लाइनें सी निकली हुई होती हैं, तो वो यही इफेक्ट ही होता है बेसिकली, वो प्रोफेशनल्स जो यूज करते हैं। ये देखो इस तरह, इसका मैं कलर अगर येलो साथ में रखना चाहूँ तो मैं ये इस तरह से शेडेड भी कर सकता हूँ, अब इसमें इसको भी मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं जो बताना फिर भूल गया, ये कलर मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये वाला पहले का, और इसको अगर मैं दोबारा ऐड करना चाहता हूँ, ये लिखा हुआ है, ओहो लिखा हुआ है, अच्छा इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि मैं ना इसमें अगर सपोज ये मैंने येलो कलर यहाँ पे ऐड किया है, मैं दोबारा भी चाह रहा हूँ कि मैं यही ऐड कर दूँ, तो ये देख रहे हैं कोड, ये यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा और इस वाले पे अप्लाई कर दूंगा कंट्रोल बी, तो ऑटोमेटिकली ये भी उस कलर का हो जाएगा। तो मुझे ये ब्लैक ही रखना है क्योंकि ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करती हैं चीज़ें, तो मुझे इस पिक्चर के लिए जो है वो ब्लैक ही ज़्यादा बेस्ट लगा। मेरा इंटरनेट इशू था, ये ब्लैक, और उसके बाद इसका जो है पीछे वाला उसको थोड़ा सा कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ये इसको कर देंगे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, और इसको मैंने भी शायद ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ये इस तरह से आप किसी भी पिक्चर का जो इफेक्ट है वो लगा सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि अब मैं अगर इसको रिमूव कर दूं, डू टोन इफेक्ट एक बेस्ट वे है क्योंकि इसमें कलर आप ऐड कर सकते हैं और शेड्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप एक और तरीका है, उसमें इसी तरह कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट में आप इसकी ब्राइटनेस ज़ीरो कर दें, इसकी कंट्रास्ट ज़ीरो कर दें, इसकी सैचुरेशन ज़ीरो कर दें, इसका ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, और इसकी ये विंटेज जो है वो आपने जिस हिसाब से सेट करनी है, और इसको आप इस तरह से एडजस्ट करके सेंड टू बैक कर दें ये पोजीशन से ये, और उसका आप जितना चाहें उसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ये वाला एडजस्ट में विंटेज इफेक्ट, इसमें ये इस तरह, ये एक बड़ी प्यारी सी लुक बन जाती है किसी भी पिक्चर की। और उसके बाद आप इसमें कोई भी एडिटिंग भी कर सकते हैं कुछ भी, तो ऑलमोस्ट ये पार्ट भी क्लियर हो गया। देन एक फॉर्मेट था रिब्ड पेपर वाला, एलिमेंट्स में रिब्ड पेपर फ्रेम, वो बड़ा अच्छा सा एक फ्रेम है, उसमें आप डिफरेंट तरीके से फ्रेम्स
कीवर्ड्स रिसर्च बहुत ज्यादा वेरी करती है आपकी सर्च पे। अब मैं फ्रेम को थोड़ा सा फ्रंट ले लेता हूँ। ये फ्रेम फ्रंट पे लाने से ये आ गया। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें दो तरह के फॉर्मेट्स हैं, और अब मैं अगर इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ इस तरह से, ये देखें, ये पिक्चर है। सपोज मैं ये नहीं, मैं एडिटिंग करता इनकी पिक्चर, यहाँ पे मैं किसी और की पिक्चर ऐड करता हूँ, मैं अपनी ही ऐड करती हूँ। ये पिक्चर मैंने यहाँ पे ऐड की है, इस पे मैंने डबल क्लिक किया है, और ये ऑलमोस्ट यहाँ तक मैंने ऐड कर दी। नहीं, ये आप मतलब आधी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आधी उस साइड से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह मैं पिक्चर ये वाली यहाँ पे उठाऊंगा, और जिस तरह वो एडिटिंग हुई हुई थी उसी तरह से यहाँ पे ये एडजस्ट कर दूंगा। ये ना एक लंबा चौड़ा थोड़ा सा काम है, लेकिन ये है कि इसमें आप डिफरेंट दो पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ये पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, और मतलब इस पेपर में आप कोई भी अच्छा सा फॉर्मेट भी लगा सकते हैं साथ। यहाँ पे मैं कोई लोगो भी ऐड कर सकता था। ओके जी, नेक्स्ट जो है हमारा वो है कि आपके जो पोस्टर में मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं, वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं। समटाइम हम जो है ना वो एक पोस्टर बनाते हैं, और एक पोस्टर में ना इतने सारे वो फॉन्ट्स ऐड कर देते हैं। मैं अभी यहाँ से कोई भी पोस्टर उठाता हूँ, यहाँ से सपोज मैंने ये पोस्टर उठाया, ये पोस्टर में आप देखें कि इसमें एक दो सिर्फ दो फॉन्ट्स यूज की गई हैं। अगर मैं इसी के अंदर ही मैं इसी तरह से इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सपोज इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, इसमें मैं कोई भी जितनी मर्जी अच्छी कोई फॉन्ट है वो मैं यूज कर देता हूँ, ये यूज कर दी। देन उसके बाद मैंने यहाँ से ये उठाया, और इसका भी मैंने फॉन्ट साइज फॉन्ट जो है यूज चेंज कर दिया। ये मैंने, ये बड़ी अच्छी फॉन्ट है, ये मैंने यूज कर लिया, हालांकि बहुत प्यारी फॉन्ट है ये। ये इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने फॉन्ट्स तो बड़ी प्यारी यूज की है इधर सारी जगह पे, लेकिन इस वाले जो है टेम्पलेट का या इस पोस्टर का वो वाला एक अच्छा व्यू नहीं आ रहा, कि जो इसका पहले था बहुत ज्यादा सिंपल फॉन्ट्स थी। आप ये देखें, ये देखें, ये बहुत ज्यादा सिंपल फॉन्ट्स थी, लेकिन अच्छा व्यू आ रहा था। बेसिकली हम जब पोस्टर क्रिएट करते हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम एक या दो फॉन्ट्स को लेके चलें और उससे ही पूरा पोस्टर बनाएं। इससे मजीद आगे आपको मैं क्लियर कर दूंगा जब मैं उसमें फॉन्ट कॉम्बिनेशन में जाऊंगा। इसके बाद मैं फॉन्ट कॉम्बिनेशन पे ही जा रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी फॉन्ट्स की कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, वो मेरी सजेशंस हैं। बाकी आप उसमें, आपको जैसे सही लगे आप अपनी फॉन्ट्स भी उसमें चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन ना समटाइम मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे होता है कि हमें कलर कॉम्बिनेशन की समझ ही नहीं आती कि हम कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। मीन्स दैट आप देखें कि आप एक ग्रीन है, एक ग्रीन एक नेचर को शो कर रहा है, मतलब फ्रेंड इको फ्रेंडली, और एक पीसफुल इन्वायरमेंट को शो करता है। उसके साथ ही जो है वो रेड कलर अगर हम ऐड कर दें, रेड जो एक डिजायरेबल एक क्रीसेंट कलर है, और उसमें ना मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे कैनवा से ही, कैनवा नहीं, अपना एक ब्लॉग
बनाया हुआ है पोर्शन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आपको कलर से रिलेटेड काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। वो है कैनवा डॉट कॉम स्लैश कलर्स, ये है कैनवा। ने सारा जितना भी कलर्स के बारे में, कलर थ्योरी, कलर पैलेट जनरेशन, जनरेटर, कलर पैलेट आइडियाज, कलर व्हील, कलर मीनिंग्स, मैं कलर मीनिंग्स पे ऐड करूँगा। इसके बारे में एक्सप्लोर करना है, इस पे क्लिक करें। ये सारा येलो का जितना भी है, द मीनिंग ऑफ येलो कलर कम्बिनेशन, इंस्पायर योर नेक्स्ट डिजाइन, स्टार्ट येलो, इसके बारे में सारी डिटेल्स है। येलो इज सनफ्लावर, येलो इज ऑप्टिमिस्टिक, प्ले, हैप्पी, यू कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद मेंटल क्लैरिटी। अब इस चीज को आपको फॉलो करते हुए ना, आपको इसमें इसके डिफरेंट येलो की आगे वो जिसे कहते हैं XYZ और ये सी लैब, जिसमें मतलब इस तरह इसके वर्जन आपको मिल जाएंगे। आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये आइडियाज भी यहाँ से जनरेट हो जाएंगे आपके। ये देखें, आप इसको इस तरह से यूज करें, एक बड़ा अच्छा लुक आता है। उसके बाद आप ये देखें, आप ये देखें कि इसमें ना ग्रीन के साथ रेड कभी भी अच्छा नहीं, मतलब उस तरह से एक पोस्टर में अटैच नहीं होता। जिस तरह इसी तरह येलो के साथ कोई अगर आप इसी तरह का येलो के साथ ग्रीन भी ऐड करते हैं तो वो भी एक अच्छा कम्बिनेशन नहीं बनता। इसमें भी आप थोड़ा सा, अब इसमें मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, मैं इस कलर को चेक करते हैं। ये चीके मार्गरेटा कलर है। अब इसका आगे फॉलो किया हुआ उन्होंने, किसको किस तरह से यूज करना है, और मतलब ये आप खुद से एक्सप्लोर करिएगा तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो एक तो फर्स्ट जो हम मैंने आपको बताई मिस्टेक, वो ये कि आपने दो से ज्यादा फॉन्ट्स नहीं यूज करने। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है कहीं पे तो वहां पे आपने तीन फॉन्ट्स यूज कर लेने हैं। और देन उसके बाद जो सेकेंड बात ये थी कि आपने कलर कम्बिनेशन को फॉलो करना है, कि कलर बैलेंस रखना है। एक अब मेरे पास ना, अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक PDF रिसीव हुई है कहीं से, उसमें कलर्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। अब मैं ये भी आपसे शेयर कर दूंगा, ये मेरी PDF तो नहीं है, ना मैंने इस पर स्टडी की है, ना मैंने इसको पढ़ा है। इसमें थोड़ा सा लेकिन है जरूर, रेड पोर्ट्रेज एक्साइटमेंट, पैशन, डेंजर, एनर्जी, एक्शन और ग्रोथ, 30। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, इस वाले जो है, ये जो एक है PDF है, आप इसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा, और ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा। सेकंड हो गया। और थर्ड वन चीज जो है वो ये है कि आपको अपने डिजाइन में अलाइनमेंट्स रखनी है। अलाइनमेंट्स इस तरह से रखनी है कि अब यहाँ पर मैं अगर देखूँ कोई इस तरह का पोस्टर हो गया जिसमें चीजें ज्यादा, अलाइनमेंट्स में सपोज ये पोस्टर मैं ले लेता हूँ, ये पोस्टर अब मैं ले लेता हूँ, इसमें मैं अलाइनमेंट्स अगर सही से नहीं रख पाता, इसको मैं यहाँ से इस तरह से ऐड कर देता हूँ। ये लग तो सही रहा है, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको अलाइनमेंट्स का ख्याल रखना है। वो मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये देखें, ये दोबारा अलाइन हो गया। इस चीज को आपने लाजमी फॉलो करना है। अलाइनमेंट से मतलब ये नहीं, ये वाला यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने ये किस जगह पे ऐड करना है। अलाइनमेंट्स आप इसकी किस तरह से फॉलो करेंगे कि आपने इसको इसके अंदर सेंटर में रखना है, आप इसको क्लिक करके, पोजीशन पे क्लिक करके आप इसको सेंटर कर सकते हैं और ये सेंटर हो जाएगा। इसको आप देखें, इसकी अलाइनमेंट इसके साथ सेम करनी है, फिर इसको आप पोजीशन पे क्लिक करें, सेंटर कर दें। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, आप इधर फाइल में जाएं और ये गाइड्स मेरी ऑन है, कंट्रोल सेमी कॉलम इसका छोट की है, और आप यहाँ से इस तरह से गाइड यूज कर सकते हैं ये अपने डिजाइन में, कि आप फिर इसको आप जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद आप इसकी जो है वो सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं अगर आर लिखूं तो एक रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इस रेक्टेंगल को अगर मैं इस तरह से बॉक्स बना लूं,
मीन्स दैट कि अगर मुझे इससे ऊपर भी कुछ ऐड करना है इसी साइज में, तो इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक मैनुअल वे है। और उसके बाद इसका मैंने आपको तरीका कर बताया, सपोज मुझे यही ऊपर लिखना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे, तो मैं इसी इस इसके हिसाब से भी सेट कर सकता हूँ इस तरह से, लेकिन ये एक मैनुअल वे है। और जो इसका शॉर्ट ट्रिक है वो है ये, अब इसको सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, इसको सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, इसको सेलेक्ट करें और इसकी क्या करें पोजीशन में जाके सेटल अप, अलाइनमेंट हो गई। अब ये सेम स्पेस पे एक दूसरे के जो है वो है, और इस साइड से अगर करना है तो आप ये गाइड्स यूज कर सकते हैं। गाइड्स यूज करने के बाद आप इस पे इस तरह से भी वर्क कर सकते हैं। ओके जी, और जो लास्ट एंड फोर्थ वन जो है, मिस्टेक होती है हमारे किसी भी पोस्टर में, वो मिस्टेक ये होती है कि हमें हायरार्की नहीं पता होती कि हमने किसी भी पोस्टर को डिजाइन किस वे में करना है। और हायरार्की में ये होता है कि आप जब भी ये सपोज ये मैं ले रहा हूँ ये टेम्पलेट, हायरार्की में आपने फॉलो करना है कि आपका टाइटल हमेशा आपके सब टाइटल से जो है वो बड़ा हो, और हाइलाइटेड वर्ड्स यहाँ पे ना, मैं कोई अच्छा सा कोई पोस्टर देख रहा हूँ जिसकी प्रॉपर हायरार्की जो हमें हायरार्की हमारा, क्योंकि हाँ ये है। अब ये देखें कि आप इसमें ये टाइटल है, ये एक टाइटल का जो हायरार्की है वो कैपिटल्स होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ योर पैराग्राफ कह लें या वो कैपिटल होना चाहिए, देन उसके बाद आपका जो सब टाइटल है उसमें भी पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। और कोशिश की जाए कि जो आपका ये डिपेंड्स करता है आपके जो आपका स्टाइल है, लेकिन मोस्टली जो सजेस्ट किया जाता है उसमें आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपका ये जो है टाइटल ये बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड टाइटल बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और इस पे देखे ना, ये एक डिजाइन ऐड किया, मैं सिंपल डिजाइन के अंदर हल्का सा उसने एक रेक्टेंगल ऐड कर दिया और ये एक डिजाइन बन गया। और उसके बाद ऑलमोस्ट ये सारा क्लियर हो गया है, मैं उसके बाद आऊंगा फॉन्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। उस पे मैंने कुछ PDF सेपरेट की हुई है जिसमें फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे मैंने वो ऐड किया हुआ है, ये ऐड किया हुआ है, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ना आप कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें ताकि आपको जब जरूरत पड़े ना इसकी लिखने की कुछ, तो आपके लिए वो इजी हो। कंट्रोल सी, ये मैं यहाँ पे अच्छा ये एक बड़ी एलिगेंट सी और मॉडर्न सी जो है ना वो एक PDF मैंने निकाली हुई है, और इसमें कॉम्बिनेशंस हैं, फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, मतलब आप किस फॉन्ट को किस फॉन्ट के साथ कंबाइन करें तो वो एक बड़ा अच्छा सा लुक देती है। तो अब ये देखें कि ये दो फॉन्ट्स हैं, एक ये जो फॉन्ट है इसका नाम है रोक्सो बोरोग सीएफ थिन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें रोक्सो बोरोग। अब इसमें बोल्ड भी यूज कर सकते हैं, और लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टेम्पलेट पे। और जो सेकंड फॉन्ट का कॉम्बिनेशन इसके साथ ऐड किया हुआ है वो है जी HK ग्रो टेस्ट लाइट, मतलब ये वाला, तो इसमें ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसको अपने सिर्फ आइडिया है, इसको आप अपने जो फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, आप पोस्टर बना रहे हैं, आप PDF बना रहे हैं, या आप कोई भी जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट मैंने स्लाइड ऐड की हुई है वो है ये कंट्रोल सी एंड मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आप कॉपी पेंसिल साथ रख लें ताकि आप फॉन्ट्स लिख सकें। अच्छा जी, अब जो सेकंड है वो है ये दो फॉन्ट्स हैं,
सबसे पहली फॉन्ट जो है वो है जोनाथन, ये एक क्रिएटिव और हैंड रिटन फॉर्म है। इस पे सारा सारा जितना भी है वो इसका कम्बिनेशन ऐड किया हुआ है, ये जोनाथन है। और ये जो फॉन्ट है ये कॉर्मोरेट है, कॉर्मोरेंट गैरामोंड है, गैरामोंड बोल्ड है ये यूज किया हुआ। ये देखिए कॉर्मोरेंट गैरामोंड बोल्ड, ये पीछे वाला, इसका एक कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसको पीडीएफ में, ऑल ओवर पीडीएफ में भी इंप्लीमेंट किया हुआ है, हेडिंग सब हेडिंग्स में। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऐड करूंगा। इसमें मैं काफी प्लेड फॉन्ट्स भी यूज करूंगा, और मतलब काफी एलिगेंट्स और फेमिनिन फॉन्ट्स भी होंगी इसी तरह। मतलब ये देखें, अभी ये दो कॉम्बिनेशन हैं इसमें ऐड किए हुए, ये वाला और ये वाला। अब जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपके सामने है, गैटविक बोल्ड है, ये एक अच्छा स्टाइल है। मतलब मैंने आपसे इससे पहले इसके बारे में वो उधर भी बताया था, आप इस पे इफेक्ट यूज करें अगर किधर गया शेडो इफेक्ट, तो ये एक अच्छा व्यू देता है। ये देख, इसकी डायरेक्शन आप सेट कर लें कहीं भी, देन उसके बाद आप इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो फॉन्ट है ये है ओपन सोर्स लाइट, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको ट्राई कर सकते हैं। जी ये ऑलमोस्ट अभी खुल जाता है। अच्छा, इसमें एक पीडीएफ बनी हुई है बड़ी एलिगेंट सी, और कह लें कि बहुत जबरदस्त सी, जैसे पॉप स्लाइड होती है, पॉप स्लाइड समझते हैं आप। मतलब इसमें ना ये ग्राइंडर है शायद, हाँ ग्राइंडर वाइड है, और इसका कॉम्बिनेशन चेक करें। इस तरह से आपको स्लाइड्स के जो आइडियाज भी मिल जाएंगे। ये जो है ये एक टेलीग्राफ फॉन्ट है, उसके साथ ये ग्रैंडर वाइड है, और इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। इसका फर्स्ट टाइटल देखने, ये फॉन्ट्स सिंपल जितनी होती हैं, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन इस तरह से ऐड करना होता है कि आपका जो एक जो है टेम्पलेट है वो ज्यादा अच्छा लगे, या उससे काफी अच्छा लुक आए, उसको देखते काफी अट्रैक्टिव हो, देखते ही जो है वो आपको अट्रैक्ट कर दे, इस तरह का मतलब होना चाहिए। अब ये एक बहुत सिंपल सी फॉन्ट है, लेकिन अगर इसका कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये काफी अट्रैक्टिव है। और ये इसके पीछे जो बनाया हुआ है इसका सारा टेम्पलेट, वो भी बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है। और सेकेंड, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट फिफ्थ है। ये कॉम्बिनेशंस आपको अभी थोड़ा सा शायद बोर कर रहे हो, लेकिन कॉम्बिनेशन को जब आप यूज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि फॉन्ट्स के जब आप साइजेस या इनको यूज करना स्टार्ट करते हैं ना, देन आपको आइडिया नहीं मिल रहा होता जल्दी से कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूँ। ओके जी, इस ये बेसिकली एक स्टिकर स्टिकर टाइप, जैसे एक प्ले कोई आप कॉमिक बना रहे हैं उसमें यूज होने वाली, ये जो है ये गल्फ डिस्प्ले फॉन्ट है, और इसके जो कॉम्बिनेशन में ऐड की हुई है वो एक बड़ी जो सिंपल सी फॉन्ट है वो सोर्स सेंस प्रो है, ये सोर्स सेंस प्रो, और इसके साथ जो है वो गल्फ डिस्प्ले है, गल्फ डिस्प्ले। नेक्स्ट पे मैं जाऊंगा, मैं आपको इसके बाद ना आप सारी जो है उसका विजिट कराया करूंगा। ये ओपन हो जाता है, देन मैं बताता हूँ, ये मैं सारी स्लाइड अब आपको विजिट कराऊंगा।
इसमें ये देखें अगर आप, तो ये लेजी डॉग एक फॉन्ट है, ये वाली, ये ऐसा जैसे हैंड रिटन फॉन्ट नहीं होती, मीन्स दैट अगर आप कोई इस तरह से कोई ओल्ड स्टोरी लिख रहे हैं आप उसमें यूज कर सकते हैं। ये लेजेंड डेका फॉन्ट है, मतलब फॉन्ट के नेम्स हैं, काफी ज्यादा मुश्किल भी हैं। और ये देखें आप, अब ये देखें, ये आइडियाज आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ये उठाया एलिमेंट, आपको अच्छा लगा, एलिमेंट्स में गए, ग्राफिक्स यहाँ पे शो हो रहा होगा इसके, ये देखें, इसको इस तरह से फॉलो किया, सी मोर लाइक दिस, और इस तरह के काफी डिजाइन आपके सामने खुल जाएंगे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनके कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं। ये देखें, हैंड गेस्टर्स, चंकी, मॉडर्न, फन, प्लेफुल, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट कलर, ये सारे इस तरह से ये। उसके बाद ये भी टेम्पलेट्स हैं, ये भी एलिमेंट्स हैं, और ये लैंप वगैरह भी एलिमेंट्स हैं। ये बेसिकली हमारी बात, और ये फॉन्ट्स पे, ये पूरी की पूरी स्लाइड ये दो फॉन्ट्स पे बनी हुई है, और आपके सामने काफी अच्छी लुक भी आ रही है। इससे स्लाइड्स भी बनाएं तो ज्यादा से ज्यादा दो फॉन्ट्स यूज करें पूरी ऑल ओवर द स्लाइड्स। अगर बहुत ज्यादा उसको फॉन्ट्स और कलर से भर देंगे तो वो थोड़ा सा ओवर सी लुक आने लग जाएगी। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, ओवरलेज, और इसमें ना काफी अच्छा ऑस्थेटिक सा व्यू आएगा आपको इस पूरी स्लाइड में। तो ये भी प्ले होती है, चलती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये स्ट्रीट स्टाइल, ये एक मनसलवा फॉन्ट है, और इसमें ये नी वेव ये एक स्टाइल है, और ये तो आपको पहले ही पता है, बेसिकली कम्बिनेशन इन दोनों का शो कराया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर इसके साथ ऐड करूँ तो ये देखें, अच्छा कम्बिनेशन है, ये देखें, बेसिकली जो फ्रंट टाइटल पेज है ना उसी पे सारा हो जाता है। सो ये है, ये बेबस, ये फॉन्ट नेम है, न्यूई साइरेलिक, और ये इसका कॉम्बिनेशन है। और बेसिकली इसमें जो है ना, जो दो बेबस, एक इसका कॉम्बिनेशन ऐड किया हुआ है ऑल ओवर द स्लाइड, और एक इसका ABYS का, तो ये दो मेन कॉम्बिनेशन है, ये सारे ज्यादातर ये यूज होंगे, ABYS और ये बेबस न्यू साइरेलिक, और ये इनके साथ हेल्पिंग कीवर्ड है, मतलब तीन फॉन्ट स्टाइल्स अलाउ मैंने आपको किए हैं उसमें से। ओके जी, अच्छा ये ओवरलेज और ग्रेडियंट्स वगैरह ऐड करके एक स्लाइड तैयार की हुई है, और ये मतलब काफी अच्छा लुक, ये भी काफी अच्छी लुक दे रही है, मतलब इसमें आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। एक ये है मोन्सरेट क्लासिक, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है वो स्पेस मोनो, ये देखें, ये कॉम्बिनेशन अगर आप इस तरह से भी साथ लगा के, मतलब इस तरह से देखें कि किस तरह से ऐड होता है, फ्रंट पेज देख लें, उसके बाद आप बेसिकली इसमें ना सिर्फ आप ये ना देखें कि आप कौन सा फॉन्ट कॉम्बिनेशन, आप फॉन्ट कॉम्बिनेशन के साथ इस स्लाइड से आप ये भी आइडिया ले सकते हैं कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह से तैयार करनी है। आप यहाँ पे कोई पिक्चर्स नेट से उठा के भी यूज कर सकते हैं। आजकल वो मोस्टली तो लोग इसी पे कैनवा पे ही प्रेजेंटेशंस रेडी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड पे या पावर पॉइंट्स पे इन पे इतना वो अभी स्कोप नहीं रहा, मतलब उसमें इस तरह की, इस लेवल की एडिटिंग नहीं होती। तो अगर आप इस पे थोड़ी सी ग्रिप कर ले तो आपको इससे भी अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं, थोड़ा सा आपको खुद एक्सप्लोर करना होगा इसको।
ये 3D जो है वो मतलब कलरफुल 3D स्टाइल्स में आ जाएगा सारा का सारा PDF। इसमें दो तीन तरह की फॉन्ट्स यूज किए हुए हैं। इसमें जो मेन फॉन्ट्स हैं वो हैं ग्रैंडर है और मुरली फॉन्ट्स है। ग्रैंडर ये ग्रैंडर है, ये ग्रैंडर की अच्छा बहुत सारी टाइप है ग्रैंडर में ना। ग्रैंडर की सिर्फ एक ग्रैंडर वाइल्ड ही नहीं है, ग्रैंडर वाइल्ड ब्लैक है, ग्रैंडर वाइल्ड बोल्ड भी होगा और ग्रैंडर वाइल्ड ब्लैक इस तरह करके ये। हाँ ये है इस तरह, ये काफी इसकी ग्रैंडर की डिफरेंट आगे वो फॉर्मेट्स आ जाती हैं। ये देखें अब इसमें ये एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं। आप अपने टेम्पलेट्स में यूज करें, कैनवा एक समुंदर है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा जो है ना इसको कम्प्लीटली समझ सकता है। और उसके बाद कोई कहे कि मैं इसमें बेस्ट हूँ तो ये भी गलत बात है, क्योंकि इसमें जो बंदा एक्सप्लोर करता है उसी को इस चीजों की समझ आती है। अब ये फॉन्ट्स मूली रेगुलर है और ये ग्राइंडर वाइट ब्लैक है, तो इसका कॉम्बिनेशन काफी जबरदस्त अच्छा लग रहा है। अगर मैं देखूं, ये देखिए आप आइडियाज यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से कोई बनाना। नेक्स्ट मैं मुझे आज उम्मीद है कि आज आप मुझसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास है और इसके बाद किस तरह से सेशन में इसीलिए रखूंगा कि अगर मुझे लगेगा कि किसी के कोई क्वेश्चंस हैं और वो एक सेशन रखवाना चाह रहे हैं। अच्छा ये लास्ट वन जो है ये है होममेड एंड एप्पल मूली फोन्स है, मतलब ये एप्पल मूली फोन्स है, ये वाली मूली फोन्ड है, मूली गोल्ड है और ये होममेड एप्पल है। मतलब ये इस तरह से लग रहा है जिस तरह सारा हैंड रिटन लिखा हुआ है। ये लोड हो गया था, ये देखें आप इसकी स्लाइड्स को इतना जबरदस्त बना दें कि आप देखने वाला आपकी प्रोफेशनलिज्म को देखे। और उसके बाद आप यहाँ से ही आइडिया ले लें, आपको मतलब एक दफा दो दफा आइडिया लेना पड़ेगा, देन आप खुद उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना जान जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो कोशिश किया करें कि आप जो अपना पोस्टर खुद डिजाइन करें। अब मैं ना इसके बाद आपको अपना पोस्टर जो मैंने डिजाइन किया था स्पेशल इसके लिए, अपना ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग जो पोस्टर था मेरा उसके लिए, वो उसके बाद मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा कि मैंने उसमें क्या क्या चीजें ऐड की थी और मैंने वो किस तरह से। और उसके बाद फिर बस क्लास जो और क्लास और हमारा कोर्स इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। और उसके बाद किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो मुझसे मतलब डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली, या इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा और मैं उसमें पार्टिसिपेशन देख के ही नेक्स्ट फैसला करूंगा कि मुझे नेक्स्ट जो है वो आंसर क्वेश्चन सेशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं होम पे करता हूँ, होम पे आके मैं होम, ये होम ओपन हो गया है और इसमें मैं अपना अपना पुराना जो डिजाइन है टेम्पलेट है जिसमें मैंने ये वाला, अब इसमें मैं बस ना आपको थोड़ा सा एलिमेंट्स का और इसका व्यू देना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह से पोस्टर, मैं पोस्टर आइडियाज नहीं अब जनरेट करता, पहले मैं आइडियाज से लेता था उसको एडिट करता था उठाता था उसको एडिट करता था, और अब मैं आइडियाज नहीं लेता, अब मैं खुद से इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, मुझे इतना तो आइडिया हो ही गया है इसका। अच्छा इसमें अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सारे क्लब्स के लोगोस ऐड हैं। अच्छा इसमें सबसे पहले मैंने ये जो यूज किया है ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट्स फॉर्मेट में मैंने उसको किस तरह से यूज किया है। लाइंस एंड शेप्स में जाऊंगा मैं जब, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, ये इसको मैंने यूज किया है इस तरह से, इसको मैंने लंबा किया और फिर छोटा किया।
इसका मैंने यहाँ से कलर ब्लैक किया है और इस तरह से मैंने इसको जो है ना वो रिसाइज करके इसका साइज वगैरह सेट करके इसी तरह इसको लेवल करके फिर उसके बाद ये हो। उसके बाद मैंने अगर यहाँ पे देखें ये मैंने लोगो ऐड किया। उसके बाद मैं सारी एक एक चीज इसमें से निकाल के आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कंट्रोल जी कर दूंगा। ये मैंने इसमें टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और इसमें मैंने दो से तीन फॉन्ट्स यूज किए हुए हैं। एक मैंने इंट्रोडक्शन में जो फॉन्ट यूज किया है मूली, और ये मूली बोल्ड है, ये अग्रेंडर गैटरिक बोल्ड यूज किया हुआ है, और ये मैंने चूंट फाइव। बाकी सारे यही सेम यही वाले फॉर्मेट्स हैं। तो इसका मैंने थोड़ा सा टेम्परामेंट कलरफुल रखा है, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा इसमें कलर्स भी ऐड करने पड़े। लेकिन वो उसके मैंने फिर सेक्शंस बनाए हुए हैं कलर्स के ना, रेड और ये, तो इसको मैं इस तरह से निकाल दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पे मैंने क्या यूज किया हुआ है। इसको मैंने अगर ग्रुप नहीं किया हुआ तो मैं वो भी, इसमें मैंने फिर से वही उठाया हुआ है उसको ऐड किया हुआ है ये। उसके बाद ये इसी तरह ये भी एक एलिमेंट है, एरो एलिमेंट यहाँ से मैंने उठाया हुआ है। और इसी तरह ये अगर देखें आप तो ये भी मैंने सर्कल, एक दो सर्कल थे सेम, एक का मैंने शेडो लेके यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दिया था और उसके ऊपर दूसरा सर्कल ऐड कर दिया था। उसके बाद अब इसके पीछे ये मैंने यहाँ पे अपना लोगो ऐड किया था। इसके पीछे अगर आप देखें तो ये एक एलिमेंट ऐड किया हुआ है ये वाला, ये मैं यहाँ से उठा दिया। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये एक एलिमेंट ऐड किया हुआ है, ये लॉक है, हाँ मैंने लॉक किया। ये एक एलिमेंट ऐड किया हुआ है इसके अंदर ही, इस जो है उसके अंदर ही मैंने ये ऐड किया हुआ है ये वाला। इसको भी निकाल देते हैं। इसके अंदर मैंने ये ऐड किया हुआ है, इसके अंदर मैंने अगर देखें आप तो ये मैंने लॉक किए हुए हैं। मैं जब एडिट कर रहा हूँ तो इसके अंदर ये मैंने ये डॉट्स वाला एक पैटर्न ऐड किया हुआ है के डॉट्स डॉट्स हो रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें ये मैंने लॉक किया हुआ है, इसको अनलॉक कर, ये मैंने इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड किया हुआ था पूरे पोस्टर के अंदर ना। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से, ये ग्रेडियंट है बेसिकली ये सारा, ये पीछे जो थोड़ा सा ब्लैक शेड नजर आ रहा था ये मैंने एलिमेंट्स में जाके ग्रेडियंट लिखा था वो ऐड किया था। उसके बाद ये मैंने एक अलहदा से ऐड किया हुआ है, ये भी एक एलिमेंट है, ये सर्कल्स में आता होता है। इसकी मैं अगर यहाँ पे तो हो रहा ओके जी। उसके बाद ये ऐड किया हुआ है अनाउंसमेंट्स, ये मैंने अलग से ऐड किया हुआ है। उसके बाद ये स्क्रीन ऐड की हुई है। उसके बाद मैंने ये बुक्स बुक टाइप ऐड किया हुआ है। उसके बाद ये देख रहे हैं आप साइडों पे शेड, इसको मैंने शायद लॉक किया हुआ, मैं बाद में दिखाता हूँ। इसका भी आपको समझ आ गई, इसकी भी आ गई। ये देखते हैं ये ग्रेडियंट है बेसिकली, ये पूरा पैटर्न ग्रेडियंट का ऐड किया हुआ है। ये मैंने ऐड किया हुआ है अलहदा से एक रेक्टेंगल। बाकी ये लोगोस आपको पता ही है कि वो सारे क्लब्स के हैं। अच्छा ये भी एक अलहदा से ऐड किया हुआ है, ये ब्रश टाइप। उसके बाद ये सिंपल फॉन्ट्स ऐड की हुई हैं ये। उसके बाद ये लोगोज हैं, ये लाइंस ऐड की हुई थी इसमें। ये अब ग्रेडियंट का पूरा पैटर्न मैंने ऐड किया हुआ है, मतलब यहाँ से मैंने ग्रेडियंट लिखा और एक पैटर्न आया था जो मैंने आपको जिम में दिखाया था। यहाँ से ना ये मूव ऑन नहीं हो रहा, मैं इसको एलिमेंट्स में ग्रेडियंट लिखता हूँ। ये ना इस तरह से एक पैटर्न था कॉर्नर्स का, मैं यहाँ से ही कहीं से उठाया था। मैंने यहीं से कहीं से एक पैटर्न उठाया था, ये था शायद, ये था हाँ।
ये पैटर्न इस तरह था और मैंने इसको इस तरह से 90 एंगल से, मैं इसको ये एंगल बताता है और ये 90 आपका होना चाहिए। मैंने इस तरह से इसको किया था इस पे फिट, और फिर उसके बाद मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी थी। ये देख, इस तरह से मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी थी। अच्छा, मैं वापस अपने उसी टेम्पलेट पे आता हूँ। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद ये कंट्रोल जी से, ये मैंने अपना एक वो बनाया था टेम्पलेट, तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं मतलब किस तरह से चीजें बारीकी से इस्तेमाल करता हूँ सारी। और इसमें इसका जो पुराना फॉर्मेट था उसमें कुछ ज्यादा चीजें ऐड थी, लेकिन जब मैंने इसको चेंज किया था फिर मुझे यहाँ पे ये चीजें ऐड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, ये लोगोज वगैरह, और इसका मैंने ये काफी चेंज वगैरह किया था। और बाकी मैं आपको फॉर्मेट्स भी सेंड करूंगा बना बना के। और नेक्स्ट ये है कि आज लास्ट हमारी क्लास थी, देन इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें मैं अब आपको थोड़ा सा नेक्स्ट जो मेरा प्लान है वो मैं शेयर करता हूँ। मैं व्हाट्सएप ये ग्रुप जो है इस संडे के बाद ओपन कर दूंगा और ये मैं बंद कर देता हूँ। इस संडे के बाद मैं अपना ग्रुप कर दूंगा ऑफ, मतलब ओपन कर दूंगा, उसकी प्राइवेसी खत्म कर दूंगा। देन उसमें ये है कि हम एक कम्युनिटी बनाएंगे। कम्युनिटी इस तरह से नहीं, मीन्स एक सर्कल बना लेंगे। उसके अंदर ये होगा कि मैं ऐड होऊंगा, आपके फ्रेंड्स ऐड होंगे उसपे। मैं इस वजह से ये साथ कर रहा हूँ कि अगर कोई भी उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहे तो मतलब उसके लिए ओपन हैंड है कि वहाँ पे, लेकिन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैनवा से रिलेटेड। मींस दैट कि वहाँ से अगर कोई उस ग्रुप से अगर कोई मतलब बाहर से कोई लिंक्स वगैरह शेयर कर रहे हैं आप, तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। आप अपने डिजाइंस बना के शेयर कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट आप टेम्पलेट्स अपने शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। मीन्स दैट मैं वहाँ पे ऑनलाइन नहीं होता तो एक कम से कम ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे को बता सकें कि आपके टेम्पलेट में ये मिस्टेक है, आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता हो वहाँ पे मैं अवेलेबल ना हूँ या मुझे वो आता ना हो, तो कम से कम उस ग्रुप में वो अगर पोस्ट कर दें तो उसमें फेसबुक पे नहीं बनाऊंगा अभी, सिर्फ व्हाट्सएप पे बनाऊंगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो असाइनमेंट्स की बात है, वो आप दो असाइनमेंट्स मुझे आपने सबमिट करानी है। सबमिट उसमें कराने के बाद जो आपने संडे से पहले पहले, संडे से मीन्स आपने सैटरडे नाइट तक वो असाइनमेंट सेंड करनी है। देन उसके बाद संडे को मैं आप सबको आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और आप सबके नेम्स उसमें होंगे। और सबसे पहले मैं आंसर क्वेश्चन सेशन ले लेता हूँ, देन उसके बाद मैं जो है वो इस सेशन को और इस पूरे कोर्स को एंड करूंगा। तो मैं आप सबके माइक जो है आपको ऑप्शन जो अलाउ कर रहा हूँ कि आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जी, ये जो मैं आपको ये जितने भी मैंने आपको टेम्पलेट्स दिखाए हैं, मीन्स दैट के ये जो आपको मैंने अभी निकाल के टेम्पलेट्स और ये PDFs दिखाई हैं, इनके लिंक्स मैं आपको जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और सेकंड आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जस्ट आपके आइडियाज के लिए थे कि आप इसमें कम्बिनेशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। भी किसी और का कोई क्वेश्चन और अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे अगेन भी टाइप कर सकते हैं। जी अरीबा आशिक, मोबाइल में जो पोजीशन के ऑप्शन में वो नहीं आते टाइडी अप, और मेरा ख्याल है कि ये कैनवा प्रो के ऑप्शंस हैं, ये सिंपल कैनवा में भी नहीं आते शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कैनवा प्रो के शायद, मे बी आप इसको लैपटॉप पे ट्राई करें और कोई अगर किसी को पता है ये लैपटॉप पे आते हैं तो वो मुझे बता दे, क्योंकि ये मोबाइल पे ये नहीं आते, ये मुझे पता है, मैंने मोबाइल पे ही स्टार्ट किया था। नहीं, जितने मैंने आपको अभी स्टाइल्स दिखाए हैं वो सारे फ्री वाले फोन स्टाइल्स हैं। मीन्स दैट कि अभी तक जितने भी मैंने अभी टेम्पलेट्स में सारे यूज किए हैं वो सारे फ्री टेम्पलेट्स के फोन स्टाइल्स थे, कि जो आप इजीली अपने फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते हैं ये स्टाइल्स आप टाइप करके। तो
इसके मैंने नेम्स भी आपको गिनवाए हैं, वो टेम्पलेट्स के लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा, आप उसको डायरेक्टली गूगल पे जो पेस्ट करके आपको टेम्पलेट जो है डायरेक्ट कैनवा पे आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। जी जी वही मुझे भी लग रहा था कि फ्री वर्जन में ये नहीं होते, ये टाइटल अप और ये कैनवा प्रो में। कैनवा प्रो इसी वजह से क्योंकि उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया गया, आप खुद देखेंगे जिसकी सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो एक ईयर की, सिर्फ एक ईयर की वो 19,400 है, तो उसको थोड़ा सा तो वो डिफरेंट करेंगे ना, $120 पे करने पड़ते हैं अगर आपको कैनवा प्रो अकाउंट पे सब्सक्राइब होना है, तो ऑब्वियसली वो उसको फ्री थोड़ा सा चेंज तो करेंगे। सर आपको आपको मैंने वो जो गाइड्स वाला तरीका बताया आप उसको यूज कर सकते हैं आपने, और मैंने एक और वे बताया आपको कि वो आप उसमें बॉक्स ऐड करके उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन अलाइनमेंट्स आप सेट कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। ओके जी, ओके जी, अब मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। और एंड द लास्ट, एट द लास्ट टाइम आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू एवरीवन कि आप सबने इतना अपना टाइम निकाला पूरे कोर्स के लिए, और उसके बाद आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया मुझे यूट्यूब पे। मैं अक्सर अगर अपनी एनालिटिक्स दिखाऊँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताऊँ कि मेरा यूट्यूब पे अपलोड करने का लेक्चर्स कोई ऐसा ऐसा माइंड नहीं था, ना ही यूट्यूब चैनल बनाने का माइंड था, लेकिन मुझे समवन इन माई कॉन्टेक्ट जिसने मुझे कहा कि आपको YouTube पे भी इसको अपलोड करना चाहिए, ताकि मुझे सबसे पहले जो ऑप्शन मिला कि मोस्टली मेंबर्स जो है ना एक टाइम पे फ्री नहीं होंगे, तो देन मेरे माइंड में ये आया कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। मेरे पास एक ऑप्शन नहीं था कि मैं अपने इसको क्लाउड पे सेव कर पाता, क्योंकि मेरा जो क्लाउड है ऑलमोस्ट सारा ही फुल है मेरी अपनी पर्सनल पिक्चर्स वीडियोज से, और उस पर ये सारा कुछ अपलोड करना मेरे लिए वो क्लाउड और ज़्यादा हैवी हो जाना था और काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाना था मेरे लिए। तो मेरे लिए मुझे किसी ने कहा कि आप यूट्यूब चैनल बना ले, तो देन मुझे अर्ज मिली उससे कि यार क्यों ना मैं इस चीज़ को लेके फर्दर आगे चलूँ और फिर उसमें इस पे काम करूँ। इससे ये है कि मेरी चीज़ें मुझे एक मेरी मेमोरीज भी बन जाएंगी और देन मेरा एक वे ऑफ जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी जनरेट हो जाएगा। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे भी मुझे अच्छा, मैं देख रहा होता हूँ कि मुझे अच्छा अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, देन सब्सक्राइबर्स जो अच्छे मिल रहे हैं आपसे, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल माई स्टूडेंट्स आर पहले के मेरे ग्रुप फेलोज, और कुछ मुझसे बड़े भी हैं, कुछ मेरे फेलोज भी हैं और कुछ मुझसे छोटे भी हैं, तो सबका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स कि उन्होंने इतना सपोर्ट भी किया और मुझे इस कोर्स से ऑब्वियसली मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरी खुद की क्लियर नहीं थी, लेकिन इस कोर्स की वजह से मैंने वो सीखी और मैंने कोर्स कराने की वजह से मैंने उसको, सबसे एक जो खूबसूरत चीज़ है ना, अगर आप कोई चीज़ कुछ सीखना चाहते हैं ना तो आप उसको पढ़ाना शुरू कर दें, आप उसको फ्री में पढ़ाना शुरू कर दें, आप उसको पेड पढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन इस कोर्स से मुझे जो इतना कुछ सीखने को मिला है कि मैं जो कभी भी शायद ना सीख पाता। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, और आपने इतना टाइम निकाला, आपने अपने क्लासेस ली और 5 दिन लगातार, एक जो 5 घंटे का जो मैंने 5 से 6 घंटे की जो मैंने क्लासेस ली उनमें ऑलमोस्ट जो मेंबर्स, तो और ऐसे कुछ ऐसे मेंबर्स हैं कि जिसको जो हर क्लास में ही एंड टाइम पे पूरे टाइम पे आते थे और एंड तक जो है वो उसी क्लास का पार्ट रहते थे। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज मेंबर्स, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। सो आई विल कंक्लूड माई क्लासेस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और बाकी रिव्यूज़ का जो है वो मैं आपको ग्रुप में बता देता हूँ कि आपने किस तरह से देने हैं।